नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा सहित 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने केदारपुरी से ही देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे का सीधा प्रसारण प्रदेश के 35 स्थानों पर किया गया। इसी के तहत देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर टपकेश्वर महादेव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं सहित पीएम के कार्यक्रम को देखा। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव है, इसलिए वो केदारनगरी आते हैं और उनके नेतृत्व में लगातार देश और केदारनाथ धाम का विकास किया जा रहा है। पूजम चैविना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल बीते मैंने बिताए, एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। शंकराचार्य जी की समाधि
एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहाँ एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे थे और शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में तिल भंडरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। यही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जिलों में भगवान शंकर का अभिषेक किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि हमारे तो हर देवालय में, हर शिवालय में त्रिकम्बकेश्वर महाराज विराजमान हैं। हम देशभक्त हैं और हमेशा से हैं। हम बीजेपी की तरह से तत्व नहीं निकालते, हम सत्व के पालक हैं। हमें अपने सब जगह सत्व नजर आता है और बीजेपी को वहां से तत्व निकालने की आदत है। भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में स्थित है और यहां समय समय पर हरीश रावत जी के द्वारा पहले भी कई बार अभिषेक पूजन किया गया है मंदिर में, क्योंकि सभी पार्टी के लोग आते हैं और वो यहाँ आए, भगवान शिव को उन्होंने जल अर्पण किया और यहाँ जो संत थे सब संतों का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। यही हमारी पौराणिक परंपरा है, किसी भी संत के द्वार पर जब कोई राजनेता जाता है तो वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कुछ समय पूर्व इसमें पहले बीजेपी के हमारे यहाँ के विधायक आदेश चौहान जी भी आए, तो सभी लोग यहाँ आते हैं। मंदिर में आना किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है। देखिए, हमारे तो हर देवालय में, हर शिवालय में जो है त्र्यंबकेश्वर विराजमान है, भगवान केदारनाथ विराजमान है, हर जगह जो है ज्योतिर्लिंग है। हम तो इन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। तो आज कांग्रेस जो है सभी शिवालयों में जहाँ जहाँ है बार बार शिवालय, क्योंकि बार ज्योतिर्लिंग है, तो हर जिले के अंदर बार शिवालयों में जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र जी। सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद देवेंद्र जी। हरीश रावत आज भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी तमाम जगहों पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारपुरी पहुंचे, वहां पर 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारपुरी को और ज्यादा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। देखिए, कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप में बहुत ही संकुचित है। 2013 में जब आपदा आई थी तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि मैं पूरा पुनर्वास और निर्माण कार्य मैं कराऊंगा जी। लेकिन सोनिया गांधी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मना कर दिया था कि आप मोदी जी से कोई सहयोग नहीं लेंगे, ना आपको पुनर्निर्माण करवाएंगे ना राहत लेंगे। तो ये सोच है इनकी, ये राहत कार्य में भी राजनीति करते हैं, आपदा में भी राजनीति करते हैं। और आज मोदी जी ने जो कार्य किया है
उसका सीधा संबंध अध्यात्म से है और विकास से है। अपने भाषण में ना तो उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी अन्य दल की बात की, उन्होंने सीधा आध्यात्मिक पक्ष रखा और उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के विकास की रूपरेखा भी रखी। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी की तरह वो तत्व नहीं निकालते, सत्य के पालक हैं, तो क्या बीजेपी यहाँ पर सच में तत्व निकालने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हरीश रावत जी को अपने समय को याद करना चाहिए। मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि मैं केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार करूंगा, वो किया, कर रहे हैं। हम उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड का विकास करेगी, वो कार्य हो रहा है। हरीश रावत जी के समय में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया और जिस प्रकार से उन्होंने आपदा के पैसे से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हरीश रावत जी ने आपदा के पैसे से 12 करोड़ रुपए खर्च करके एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई जिसमें अपना चेहरा चमकाने का उन्होंने कार्य किया। तो ये सोच है लोगों की, तो ये जो लोग हैं, ये जो मर्जी करते, आज जो ये शिवालयों में जा रहे हैं, ये वैसे ही है जैसे कि राहुल गांधी जी चुनाव के दौरान जनेऊ पहन लेते हैं और उत्तर भारत में जनेऊ बाहर पहनते हैं और दक्षिण में जब केरल जाते हैं तो जनेऊ गायब हो जाता है। तो ये जो राजनीति और दोहरापन इनके चरित्र का है, इनको आध्यात्म से भी चिढ़ है, इनको विकास से भी चिढ़ है, इनको प्यार है तो केवल भ्रष्टाचार से है। और हरीश रावत जी, उनका पूरा जो तंत्र है, इनकी पार्टी जो है, अगर आप देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये जो कर रहे हैं, ये अपने ही जो जाल में खुद फंसते जा रहे हैं और इनकी जो असलियत जनता के सामने आ रही है। भसीन साहब, लेकिन यही जो बातें हैं वही कांग्रेस भी कहती हुई नजर आती है और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो तीर्थ पुरोहित हैं जिनकी नाराजगी लगातार देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध किया गया, तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है बीजेपी को। देखिए, पहली बात तो ये है कि देवस्थान बोर्ड के बारे में हमारी जो लाइन क्लियर है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ना तो हमारे जो पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, उनके किसी प्रकार से हितों पर अंतर आने वाला, यथावत रहेंगे। हमने ये भी कहा है कि जो परंपराएं हैं उनका किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई विषय है उसके बारे में बातचीत की जा रही है और हमारे माननीय मनोहर कांत ध्यानी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, उसमें चारों धामों के दो दो प्रतिनिधि भी ले लिए गए हैं। अब ये कांग्रेस जो है, अपने अगर झांके अपने उस पर, तो इन्होंने जो है कभी भी जो मंदिर हैं या जो धार्मिक स्थल हैं उनके पवित्रता को लेकर कभी गंभीरता नहीं रही है। ये तो एक इस प्रकार की राजनीति करने को उतारू है कि जिससे कि एक अलगाव जो है वो पैदा होता रहे। देवस्थान बोर्ड के पीछे भी जो बातें उछाली जा रही हैं, एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुद्दा नहीं है, वो अपने आप में वो मुद्दा नहीं है और हम उसका समाधान कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे मुद्दे ढूंढ रहे हैं वो भी मुद्दे नहीं है, वो भी हम समाधान कर लेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है और सत्ता की भूख से ये लोग इतने परेशान हो गए हैं तो कोई ना कोई ये प्रपंच करते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता और देश की जनता इनको समझ चुकी है, इसलिए इनके किसी प्रपंच में आगे जनता आने वाली नहीं। ठीक है भसीन साहब, शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो हरीश रावत ने भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए कि बीजेपी की सरकार जो है वो सत्य का साथ नहीं देती है, वो सिर्फ झूठ का साथ देती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाती है कि उन्हें भगवान भोलेनाथ में कितनी आस्था है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ राजनीति करना जानती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार हरीश रावत पर निशाने साध रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पीएम मोदी के केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के मुहूर्त पर बीजेपी संगठन की तरफ से प्रदेश के 35 देवालयों मंदिरों में लाइव दर्शन के साथ ऑनलाइन भव्य पूजा अभिषेक का आयोजन कराया गया, जिसमें बीजेपी के सांसदों, विधायक, संगठन पदाधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया था, जिसको लेकर जोशी मठ के अमर कल्प वृक्ष के नीचे गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योति मठ स्थित भगवान ज्योतिश्वर महादेव शिवालय में टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह ने भगवान शिव के अभिषेक पूजन अनुष्ठान में शिरकत की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की है। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑनलाइन भव्य पूजा अभिषेक का यहां पर आयोजन किया गया था।
सबको नमस्कार करती हूँ और ये पांचों बार हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं और पहला भी प्रधानमंत्री जी होने से पहला ये आए हुए हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड के वासियों बहुत खुश है इसमें और पूरे दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग भी। मैं इन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने हमारे केदारनाथ का ये नया रचना किए हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से, तो 2013 में जो आपदा आए थे उसमें जो हुआ था आप लोग हम सब देख चुके हैं और आगे उन्होंने आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में कैसे काम कर। बादराबाद क्षेत्र के उद्यान विभागों में सालों से आम के हरे भरे पेड़ों के कटान की सूचनाएं क्षेत्र में फैली हुई हैं। आपको बता दें कि आम के पेड़ों को काटने के लिए विभाग से विशेष परमिशन लेनी होती है, लेकिन बादराबाद उद्यान विभाग में खेल कुछ और ही चल रहा था। यहां केवल एक कर्मचारी की परमिशन पर आम के पेड़ों को काटने का काम चल रहा था। वहीं अब मामला उजागर होने के बाद विभागीय कर्मचारी के संरक्षण में चल रहे इस आम के पेड़ों को काटने वाले वन माफिया गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। अब ये मामला उद्यान विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पहुंचने के बाद उच्चाधिकारियों ने इस वन माफिया गिरोह पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। अब विभाग अपने ही घर में पल रहे इस वन विभाग जो लगातार इस पर नजर नहीं डाल रहा था वो वन माफिया गिरोह पर नजर बना रहे हैं। तो हरिद्वार की तस्वीरें, लगातार वन माफिया यहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, सालों से आम के पेड़ों का सफाया यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भाद्राबाद क्षेत्र के उद्यान विभाग में सालों से आम के हरे भरे पेड़ों को काटने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब इस सब का पर्दाफाश हो चुका है। अब आगे देखना होगा कि इस पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर धीरवाली में पटाखे जलाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया, वहीं इस विवाद में जमकर पथराव भी हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया और मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब दिवाली में पटाखे जलाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हुआ हो। पिछले साल भी पटाखे जलाने को लेकर इस तरह का विवाद हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हरिद्वार का यह पूरा मामला जहां पर पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक का शव फंदे पर लटका मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पिछले कई सालों से खनन माफिया लगातार अवैध खनन को अंजाम देती आ रही हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें शासन प्रशासन का कोई डर नहीं रहता। निधारोना क्षेत्र में बालाजी मंदिर के ठीक सामने खनन माफिया बंजर टीलों से हजारों घन मीटर का खनन अब तक कर चुके हैं। वहीं अगर हाल ही के दिनों की बात की जाए तो एक खनन माफिया ने टांडा भनेड़ा और बंगलौर में कई हजार घन फीट का अवैध रूप से भराव कर डाला। हजारों डंपर इन गहरे गड्ढों में डाले जा रहे हैं। ये खनन माफिया प्रशासन से ना डरते हुए लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रुड़की में लगातार अवैध खनन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से अवैध खनन की तस्वीरें उजागर हुई हैं। दरअसल रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पिछले कई सालों से खनन माफिया लगातार अवैध खनन को अंजाम देती आ रही हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें शासन प्रशासन का कोई भी डर नहीं रहता। तो गधारोना क्षेत्र में बालाजी मंदिर के ठीक सामने लगातार माफिया अवैध खनन कर रही हैं। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में दिवाली की रात भोरपानी के पास पार्किंग में खड़ी दो कार चट्टान गिरने से मलबे में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। आपको बता दें कि चमोली में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। चमोली की तस्वीरें, चट्टान गिरने से दो कारें मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो गई हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के हादसे यहाँ हो चुके हैं।
उत्तरकाशी में शीतकाल के लिए चार धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। इस दौरान धाम में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। यमुनोत्री धाम के कपाट शनिवार को बंद होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शीतकाल के 6 महीने माँ गंगा और यमुना के दर्शन शीतकालीन पड़ावों में ही होंगे। पतित पावनी गंगा मैया की जोड़ी आज अन्नकूट के दिन यहाँ से प्रस्थान करेगी और आज यहाँ से कोपन पहले भैरव घाटी मंदिर में जाएगी। भैरव घाटी मंदिर में भैरव बाबा का के कपाट में बंद होंगे शीतकालीन के लिए और फिर वहाँ से आगे बढ़ेगी। कोपन में भी ITBP के द्वारा स्वागत एवं वहाँ पे भी विशेष पूजा रखी गई है परंपरा के। फिर चंद्र ऋषि जंगला आश्रम में थोड़ा सा गंगा जी रुकेगी, वहाँ भी थोड़ा सा पूजा होगी। आज माँ गंगा के कपाट के बंद पर माँ गंगा शीतकालीन प्रवास के लिए अपने शीतकालीन प्रवास ग्राम बुखार में जा रही है। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासी से देशवासियों को और जो भी दूर दूर से आए हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार विगत 2 वर्ष से वैश्विक कोविड की बीमारी से हम लोगों को 2 साल की जो हमारी चार धाम यात्रा नहीं चल पाई थी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति की खराब हो गई थी। पिछले 20 दिनों से बंद पड़ी गंग नहर में दिवाली की देर रात यूपी सिंचाई विभाग ने पानी छोड़ दिया। साफ सफाई, रंगरोगन, रजवाहों की मरम्मत, सिल्ट की सफाई आदि कार्यों के लिए दिवाली से 20 दिन पहले यूपी सिंचाई विभाग ने नहर बंद कर दी थी। हर साल इन सभी कार्यों के लिए गंग नहर को अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान बंद किया जाता है। नहर बंदी के दौरान यूपी सिंचाई विभाग ने सभी कार्य पूरे किए। यूपी, दिल्ली, NCR आदि क्षेत्रों में गंग नहर के बंद होने से पानी की किल्लत होती है। गंग नहर में वापस पानी छोड़े जाने से इन सभी क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।